नागरिकता संशोधन कानून CAA पर जन जागरूकता के लिए गोरखपुर में घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन कानून CAA कांग्रेस के पापों के परिमार्जन के तहत लाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कानून भारत की उस परंपरा का हिस्सा है जो विश्व मानवता के प्रति समर्पित है, पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को भारत में शरण देने की बात करती है। आपको बता दें, रविवार को मुख्यमंत्री प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परपौत्र प्रोफेसर अशोक जाह्नवी प्रसाद से मिलने के बाद उनके घर के बरामदे में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। समाज के प्रमुख लोगों से मिलकर उन्हें इसकी वास्तविकता से अवगत कराया जाए, इसी के तहत रविवार को उन्होंने गोरखपुर में 4 परिवारों से संपर्क किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA नागरिकता देने का कानून है, लेकिन कांग्रेस सपा ने इसे नागरिकता लेने का कानून बताते हुए अफवाह फैलाकर लोगों के मन में गलत बात भरने की कोशिश की है। इसके नाम पर हिंसा भड़काने की कुत्सित कोशिश की गई। वहीं गोरखपुर में मेट्रो परियोजना को लेकर मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं किसी स्तर पर देरी नहीं की जा रही है, सब कुछ समय से चल रहा है, मेट्रो परियोजना समय से पूरी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वहीं इधर से अंदर सर आगे ना चाहिए, आगे ना आगे नहीं कहते हैं आप भैया 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 देंगे कि अंदर 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 तो तेरी जगह होगी नहीं। इसके बारे में कुछ लोगों के द्वारा बड़ा र्यूमर फैलाया गया, उससे संबंधित साहित्य है तो मैंने कहा आपको भी किया जाता है। बड़े वशिष्ठ देखिए, नागरिकता कानून कांग्रेस के पापों के परिमार्जन के देश से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की परंपरा के अनुसार ये नागरिकता देने का कानून है जो भारत की विश्व मानवता के प्रति पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को भारत की शरण देने की नीति का हिस्सा रहा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दलों के द्वारा जो गलत फहमी और अफवाह पूरे देश के अंदर फैला करके लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का कुत्सित चेष्टा किया गया, इसके लिए आवश्यक समझा गया कि नागरिकता कानून पर एक जन जागरण अभियान प्रारंभ किया जाए और समाज के प्रबुद्ध जनों को इसकी वास्तविकता के बारे में अवगत कराया जाए। आज मैंने भी यहाँ पर कई परिवारों के साथ ये संवाद स्थापित किया है और उस संवाद का ही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर एक पोस्टिंग भी कर रहे हैं जो नागरिकता कानून के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के दिन से, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करने के दिन से आम जन में एक जागरूकता का अभियान, जिसके बारे में पहले से स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि यह नागरिकता कानून है नागरिकता देने का, लेकिन पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति कांग्रेस की संवेदनहीनता, समाजवादी पार्टी की संवेदनहीनता का ही ये दुष्परिणाम है कि उन लोगों के द्वारा नागरिकता देने के कानून को भी अफवाह फैला करके नागरिकता लेने के साथ जोड़ने की कुत्सित चेष्टा की गई।
और उसके नाम पर हिंसा को भड़काने का इन लोगों ने कार्य किया देश के कई क्षेत्रों में। इसलिए जन जागरूकता इसके लिए आवश्यक था और इसीलिए आज इसके लिए आज एक गोष्ठी भी यहाँ पर रखी गई है। आने वाले समय में जन जागरण का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आगे भी बढ़ेगा। महाराज जी, गोरखपुर में मेट्रो लेट हो रही है, मेट्रो की परियोजना लेट हो रही है। कोई भी लेट नहीं है, सब समयबद्ध ढंग से आगे चल रहा है।